गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने कल बात करी थी एनलाइटनमेंट की, और एनलाइटनमेंट के द्वारा जो सामाजिक दर्शन में जो परिवर्तन आया था, ज्ञानोदय के काल में जो सामाजिक परिवर्तन आए थे, और इसी के साथ साथ हमने प्रोटेस्टेंट विद्रोह की बात करी थी और मार्टिन लूथर का और कैल्विन का जो योगदान था, जॉन कैल्विन का जो योगदान था, एक नई तरह की चर्च के अंदर ही एक नई तरह की विचारधारा को पनपने के लिए जिसने योगदान दिया। फिर हमने बात करी थी वैज्ञानिक क्रांति जो यूरोप में आई, और डिडक्टिव नॉलेज की जगह इंडक्टिव नॉलेज जो है, इंडक्टिव मेथड्स को यूज़ करना शुरू किया गया, जिसके माध्यम से कॉपरनिकस, गैलीलियो, फ्रांसिस बेकन, आइजैक न्यूटन और डार्विन, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा विज्ञान के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं उन फिलोसोफर्स की और साथ ही उन फिलोसफीज़ की जो जिन्होंने ज्ञानोदय के काल के बाद ये रेनेसां और रेफॉर्मेशन यानी कि पुनर्निर्माण का जो कार्य है उसमें योगदान दिया। इसमें अग्रणी जो नाम आता है वो वोल्टेयर का आता है। इनका एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि इनके व्यंगात्मक लेखों और उपन्यासों में के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त असमानता के प्रति जनता को जागरूक किया। इन्होंने खासकर जो चर्च है उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना करी, और उनकी राय में ये चर्च जो था वो अंधविश्वास का गढ़ था। इसी श्रेणी में मोंटेस्क जो हैं, उनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें नियम की प्रकृति और सामाजिक संस्थाओं की तुलनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करी है। उनका विचार था कि सामाजिक प्रघटनाएँ भी प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामान्य नियमों द्वारा संचालित होती हैं। इनकी खोज करना, इन सामान्य नियमों की खोज करना वैज्ञानिक विधि द्वारा हो सकता है, और समाज का उदय जो है वो प्राकृतिक और स्वाभाविक है। अब इसी क्रम में उन्होंने राज्य के स्वरूपों की बात करी थी, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करी थी, जिसमें तीन शक्तियां व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इससे पहले ये जो तीन जो पावर्स थे ये आपस में घुले मिले हुए होते थे और इनका पृथक्करण नहीं हुआ था। इन्होंने पहली बार इनके अलग अलग होने की बात करी थी। इसी क्रम में तीन महत्वपूर्ण जो विचारक हैं जिनका हम उल्लेख करेंगे वो हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। इनके बारे में आपने पॉलिटिकल साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा या सुना होगा, क्योंकि इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यानी कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। इससे पहले जितने भी राज्य की उत्पत्ति के या समाज और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत थे वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत थे, यानी कि ईश्वर ने समाज की रचना करी है या ईश्वर ने राज्य की रचना करी है। लुई द 14th ने तो यहाँ तक कह दिया था कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि राज्य जो है वो ईश्वर ने पृथ्वी पर स्थापित किया है। तो और उसकी वजह से कोई भी राजा का विरोध नहीं कर पाता था, क्योंकि राजा जो है वो दैवीय शक्तियों का मूर्त रूप माना जाता था, और इसमें चर्च जो थी उसकी सहायक होती थी, जिसकी वजह से राजा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता था। हॉब्स जो हैं, हॉब्स की और जॉन लॉक की और रूसो की, इनकी राज्य की उत्पत्ति या समाज की उत्पत्ति के बारे में जो अवधारणाएं हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी
वो इस बात पर बल देते हैं कि राज्य जो है मनुष्य ने स्वयं स्थापित किया, उन्होंने स्वयं समझौता स्थापित किया। अब स्टेट ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति में जो प्राकृतिक अवस्था थी जो हमारी, वो उसका वर्णन अलग अलग प्रकार से किया है। हॉब्स बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू लेते हैं और रूसो जो है वो बहुत ही पॉजिटिव व्यू लेते हैं। हॉब्स कहते हैं कि लाइफ ऑफ मैन इज नैस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट, बहुत ही खराब जीवन है प्राकृतिक अवस्था में, इसलिए मनुष्य को उस अवस्था को छोड़कर और सामाजिक अवस्था में आना पड़ा और राज्य की स्थापना करनी पड़ी। दूसरी इसके ठीक विपरीत छोर पर रूसो कहते हैं कि मैन वॉज अ नोबल सैवेज, वो एक बहुत ही ऐसा पशु था जो बहुत ही नोबल था, और इस वजह से क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ती चली गई इसलिए उसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, सामाजिक जो समझौता है वो करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना हुई। तो ये दैवीय उत्पत्ति से बिल्कुल ही विपरीत बात हो रही है। हमने कल भी बात करी थी कि प्रश्न चिन्ह लगाना या तर्क पर आधारित हम जब भी अपना ज्ञान होता है तो उसके कारण ज्ञान में वृद्धि होती है। हालांकि इन तीनों जो सिद्धांत हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसके आलोचना है, क्योंकि मनुष्य ने वास्तव में कभी भी एक जगह बैठ के ये डिसाइड नहीं किया कि आज हम राज्य की स्थापना करते हैं। पर यहाँ पे निहित जो बात है वो ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल को, व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है राज्य के ऊपर, और उसके कुछ नेचुरल राइट्स यानी कि उसके कुछ ऐसे अधिकार, मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया जा रहा है जो उसको राज्य से ऊपर मिले हुए। तो पहले जो दो विज्ञान जो विचारक थे, हॉब्स और लॉक, ये दोनों अंग्रेज़ थे, और रूसो जो थे वो फ्रांसीसी थे, और रूसो ने जो के जो विचार हैं उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन विद्वानों के अनुसार मानव समाज में एक समय ऐसा था जब राज्य नहीं था। इस राज्य पूर्व स्थिति में सभी व्यक्तियों का स्वशासन का अधिकार था, हर एक व्यक्ति अन्य प्राणियों के भांति स्वच्छंद था, और इसके बाद एक पारस्परिक समझौते द्वारा राज्य की नींव रखी गई। ये समझौता सभी व्यक्तियों ने सम्मिलित होकर सामूहिक रूप से किया और शासन की व्यवस्था स्थापित करी। लेकिन तीनों विद्वानों में मतभेद हैं। इनका सबसे पहला मतभेद जो है वो राज्यपूर्ण सामाजिक स्थिति में मानव जीवन की दशा कैसी थी उसके बारे में है, जो कि मैंने अभी बताया कि हॉब्स जो हैं वो नेगेटिव, मतलब एक बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं। लॉक और रूसो के मतानुसार मानव का जीवन सुखी और आनंदमय और बंधनों से रहित था, जबकि हॉब्स के अनुसार इस अवस्था में मानव जंगली पशु की भांति जंगल के नियमों द्वारा संचालित था, और जीवन पशुवत, खूनी, परस्पर मारधार भरा और लघु था। दूसरा जो है वो मतभेद जो था वो किस उद्देश्य को लेकर सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की स्थापना की आवश्यकताएं हुई। हॉब्स के अनुसार जीवन को समृद्ध करने के लिए कड़े नियंत्रण की आवश्यकता थी, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने खड़े होकर अपने निज शासन का अधिकार एक सत्ता को सौंप दिया, जिसके एवज में कोई वचन या आश्वासन नहीं दिया गया था। वह सत्ता निरंकुश और निरपेक्ष राजा कहलाई जो उन व्यक्तियों में से एक होते हुए भी सबसे अलग थे। इस नियंत्रण से ही मानवीय सभ्यता के विकास में सहायता हुई। और लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते की आवश्यकता इसलिए हुई कि एक ऐसी सत्ता स्थापित की जाए जो व्यक्तियों के परस्पर अधिकारों और संपत्ति की
सुरक्षा का आश्वासन दे सके और विवाद का निपटारा कर सके। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उसकी पहली बार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं राज्य के संदर्भ में, और राज्य जो है वो प्रॉपर्टी को यानी कि संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। रूसों के अनुसार राज्य का उदय आवश्यक बुराई है, नेसेसरी ईवल की बात करते हैं वो, और उसके द्वारा ही नागरिक की एक दूसरे के विरुद्ध स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। साथ ही उस सत्ता का अस्तित्व इस आश्वासन पर आधारित है कि सरकार ऐसा कर सकेगी। सामाजिक समझौता दो तरफा समझौता है, जो राज्य है वो एक तरफ है और जो व्यक्ति हैं वो दूसरी तरफ है। ये समझौता सामान्य संकल्प पर आधारित है, यानी कि जनरल विल, यानी कि सभी लोगों ने मिलकर अपनी विल जो है वो प्रकट करी और राज्य की स्थापना करी। इसलिए राज्य की प्रभुसत्ता का आधार भी जनता का वे सामान्य संकल्प ही है। तीसरा जो मतभेद है वो राज्य और नागरिक के संबंध का है। क्या नागरिक को राजसत्ता के विरुद्ध विरोध करने का अधिकार प्राप्त है? हॉब्स इसे कोई ऐसा अधिकार नहीं प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार सामाजिक समझौता एक तरफा है। राजा कितना भी निरंकुश क्यों ना हो, उसके विरुद्ध क्रांति का आह्वान नहीं किया जा सकता। लॉक ने मध्यम मार्ग अपनाया था। यदि राज्य नागरिक के स्वाभाविक अधिकारों और संपत्ति की रक्षा न कर सके तो विशेष परिस्थितियों में नागरिकों को विद्रोह का अधिकार है। जबकि तीसरी जगह रूसो जो एक द्विपक्षीय समझौते की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सरकार का स्वभाव ही धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाना है और सत्ता निरंकुशता की ओर ले जाती है। इसलिए नागरिक को सतत क्रांति का अधिकार है और पुराने समझौते को भंग कर नए समझौते का निर्माण करने का भी अधिकार है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है वो राज्य को व्यक्ति से अलग बताता है, राज्य को व्यक्ति से ऊपर न बताकर वो कहता है कि राज्य व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति की विल, व्यक्ति के सामान्य संकल्प, व्यक्तियों के सामान्य संकल्प द्वारा एक बनाई हुई एक आर्टिफिशियल व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रख सकते हैं। ये पहले की व्यवस्था जहाँ पे राज्य और राजा जो था वो कुछ भी कर सकता था, निरंकुश था, जिस वो उसके अधिकार क्षेत्र बिल्कुल किसी भी बिना रोक टोक के होते थे, उस बात से ये विरोध करता है। रूसो ने जो सिद्धांत दिए थे जिसमें और जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वो सिद्धांत लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये हमारे संविधान में भी ये वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, पर इसका कोई अर्थ है? जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं इन तीनों सिद्धांत को, तो उसका समाज से क्या सरोकार है? क्यों ये पढ़ाए जाते हैं? क्यों ये समझना ज़रूरी है कि समानता जो है वो गिवन नहीं है? हम लोग उसे मान लेते हैं कि ये गिवन है। हमारे संविधान में भी समानता, हमने संविधान में भी समानता को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, उसके बावजूद हम असमानता देखते हैं निरंतर, दिनों दिन हम बहुत सारे आधारों पर हम असमानता देख सकते हैं, चाहे वो आय के या व्यवसाय के आधार पर हो, वर्ग के आधार पर हो, वर्ण के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, हमारे लिंग के आधार पर हो, हमारे किस क्षेत्र से आए हैं, क्या ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र से आए हैं, इस बहुत तरह के आधारों पर हमें असमानता देखने को मिलती है, बावजूद इसके कि हम समानता के प्रवर्तक हैं। जो हम लोगों ने संविधान अपने आप को दिया है उसमें जो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसमें आपने देखा होगा कि इस ये कहते हैं कि हम
ये संविधान अपने आप को देते हैं. द पीपल गिव अनटू देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी होगी. लिबर्टी स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, किसी भी तो ये स्वतंत्रता क्या वास्तव में हमारे जीवन में है? अगर हमारे पास ये स्वतंत्रता नहीं है तो रूसो के अनुसार हमें सतत क्रांति का अधिकार है और पुराने समझौते को भंग कर नए समझौते का निर्माण करने का भी अधिकार है. इस कारण से फ्रांस में जो सामंतवाद वादी जो व्यवस्था थी, जो पुरानी चली आ रही थी, और साथ ही साथ निरंकुश जो राजा थे, उन्होंने जिस प्रकार का शोषण किया था, उससे परेशान होकर जन सामान्य ने फ्रांसीसी क्रांति में भाग लिया. और फ्रांसीसी क्रांति का जो संदेश है वो केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, और उसके बाद वो अमेरिकन रेवोल्यूशन यानी कि अमेरिका की क्रांति, उसको भी उसने प्रभावित किया और उसने हमारे भारतीय जीवन को भी प्रभावित किया. तो ये हम जब पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं या दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं, केवल मात्र उसका पढ़ना ही नहीं बल्कि उसको समझना कि इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सामाजिक सिद्धांत के समझौते के चिंतकों ने ये सिद्ध कर दिया कि राज्य या राजा की दैवीय उत्पत्ति नहीं है. नागरिकों के कुछ मौलिक और प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स हैं. राज्य की प्रभुसत्ता का अधिकार का आधार जन संकल्प है यानी कि जनरल विल है. ये क्रांतिकारी विचारधारा थी. रूसो अत्यधिक क्रांतिकारी थे और उनकी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रारंभ ही इसी बात से होता है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड ही इज़ एवरीवेयर इन चेन्स, यानी कि मनुष्य जो है वो पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन उसे वो हमेशा सब जगह जंजीरों से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है. रूसो के संबंध में कहा जाता है कि यदि वे नहीं होते तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती. ये इसमें अतिशोक्ति नहीं है क्योंकि फ्रांस की क्रांति जैसा राजनीतिक तूफान किसी एक कृति से पैदा नहीं होता. ये भी मानने की बात है कि सामाजिक समझौते के प्रतिपादकों के विचार वैज्ञानिक प्रामाणिकता की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते. कभी भी हमने किसी भी समाज में, हम लोगों ने अध्ययन कर लिए हैं, मानव शास्त्रियों ने बहुत अध्ययन किए हैं, पर कहीं भी ऐसा समाज नहीं है पाया गया है जहाँ पे सब लोग विल बैठ के उन्होंने डिसाइड किया हो कि स्टेट ऑफ नेचर से और हम स्टेट की दिशा में जाएंगे. ऐसा कहीं भी समझौता देखने को नहीं मिला है. फिर भी ये सोच जो है कि दैवीय उत्पत्ति नहीं बल्कि सामाजिक समझौता प्रमुख है, ये सोच जो है ये महत्वपूर्ण है. इन विद्वानों की कृतियों ने जनमानस को बौद्धिक आधार प्रदान किया जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और राज्य के ऊपर जन श्रेष्ठता की अनुभूति हुई. उस समय के यूरोप में साधारण नागरिकों को उनकी बातें न केवल सरल और सीधी साधी लगी बल्कि उनके इन विचारों के प्रति अटूट आस्था भी भर गई. ज्ञानोदय द्वारा जागृत नवचेतना की आशा की जाती थी, पर ये जो इसके लिए आवश्यक सुधार ज़रूरी थे और ये जो आशाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि ज्ञानोदय का योगदान जो था वो ऋणात्मक माना गया है. उसने मानव भ्रातृत्व के आधार यानी कि चर्च की महत्ता को नष्ट कर दिया. उनकी शक्ति की अपने राजा के प्रति निष्ठा के आधार को भी नष्ट कर दिया. लेकिन रचनात्मक दृष्टि से ये जो ज्ञानोदय का काल है उसने किस प्रकार से नए एक समाज जो है और नए समाज के नए मूल्यों को स्थापित करने में वो सक्षम नहीं रहा.
19वीं शताब्दी में बौद्धिक सृजनात्मकता आई और पुनर्जागरण की आत्मा जो विज्ञानवाद और ज्ञानोदय के माध्यम से विकसित हुई थी वो 19वीं शताब्दी में नई विचारधाराओं के रूप में देखने को मिली। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियाँ महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया। पश्चिमी यूरोप के देशों में ने इसमें महत्वपूर्ण योग भूमिका निभाई और मानव की सभ्यता की उपलब्धियों का पिछला कुछ इतिहास जो है वो यूरोप के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आधुनिक मानव समाज की संरचना, विचार व्यवस्था और समस्याओं को समझना है तो यूरोप के आधुनिक इतिहास को समझना हम ज़रूरी मानते हैं। विशेष रूप से समाजशास्त्रीय चिंतन के लिए इस प्रकार का अध्ययन अनिवार्य है क्योंकि समाजशास्त्र का उदय ही पश्चिमी यूरोप में हुआ और इसके प्रारंभिक विचारक पश्चिमी यूरोपीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पर्यावरण से प्रभावित थे। हॉब्स लॉक रूसो, इन्होंने एक नई तरह की विचारधारा को प्रतिपादित किया जिसके कारण आगे चलकर 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट जैसे विचारक जो हैं वो समाजशास्त्र के विषय की नींव डालते हैं। हर एक सामाजिक विचारक जो है वो अपनी परिस्थितियों का उपज होता है और अपनी समकालीन सामाजिक समस्याओं से प्रभावित होता है और उन समस्याओं को के समाधान को खोजने के लिए बौद्धिक स्तर पर या व्यवहारिक स्तर पर या दोनों ही स्तर से जूझता रहता है। इस कथन में कहीं भी असत्य नहीं है और हम देखेंगे आगे चलकर जब हम मार्क्स, डर्खाइम और मैक्स वेबर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये तीनों विचारक अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित थे। मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था वो इसी पर आधारित था क्योंकि उन्होंने देखा कि औद्योगिकीकरण से या नगरीकरण से पुराने जो कुटीर उद्योग हैं उनका ह्रास हुआ है और नए प्रकार की एक सामाजिक व्यवस्था उसकी जगह पर स्थापित हुई है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो मार्क्स व्याख्या करते हैं उसमें वो कहते हैं कि अमीर हर समाज में हम देखते हैं अमीर ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है और गरीब जो है वो अधिक से अधिक गरीब होता चला जा रहा है। हमारे समाज में भी हम देखें तो कुछ छोटी सी प्रतिशत जो लोग हैं अमीर जो हैं वो भारत की लगभग बड़ी 80% जो जीडीपी के का वो है हिस्सा है उस के बराबर वो ज़्यादा अमीर हैं और बाकी जो जनसंख्या है वो गरीब की गरीब ही है और गरीब होती चली जा रही है। तो इसको समझने के लिए उन्होंने कहा कि ये संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अपने नियंत्रण को खोए और वो सभी के साथ समान रूप से इसे साझा करें। तो इसलिए ये संघर्ष निरंतर चलता रहेगा और वर्ग संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। यहाँ एक तरफ मार्क्स जो हैं वो संघर्ष देखते हैं, दूसरी तरफ मैक्स वेबर जो हैं वो मैक्स वेबर ने इसको पूंजीवाद को एक पॉजिटिव एक दिशा में देखा और वो कहते हैं कि किस तरह से पूंजीवाद से सभी लोगों का किस प्रकार से उनका उन्नति होगी और किस प्रकार से पूंजीवाद जो है वो धर्म की वजह से, धार्मिक विचारधारा की वजह से पनपा। तीसरी तरफ जहाँ मार्क्स जो हैं वो संघर्ष की बात करते हैं वहीं डर्खाइम जो हैं वो बताते हैं कि किस तरह से पूंजीवादी जो नया जो श्रम विभाजन की व्यवस्था है, आधुनिक जो श्रम विभाजन की व्यवस्था है वो किस तरह से समाज की व्यवस्था का
प्रकार्यात्मक ढांचा जो है वो बनाए रखने में योगदान देती है। तो ये अलग अलग विचारक जो हैं वो अपने परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों की उपज हैं। इसी प्रक्रिया में उनके विचार जन्मते हैं और पनपते हैं और विकसित होते हैं। इसलिए किसी भी विचारक के विचारों को समझने के लिए उसके समकालीन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन आवश्यक है। समाजशास्त्र का, जैसे हम जानते हैं, उदय 19वीं शताब्दी में हुआ और ऑगस्ट कॉम्प ने 1838 में पहली बार समाजशास्त्र विषय की नींव रखी। डर्कहाइम ने समाजशास्त्र को ठोस धरातल प्रदान किया और उसकी अध्ययन पद्धति परिष्कृत करी, कानूनी संग किया, और इसमें उन्होंने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये नियम उन्होंने बनाए कि समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए कौन कौन से नियम हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए, किस तरह से हमें सामाजिक तथ्य को पहचानना चाहिए और उसको उसके अध्ययन के क्या क्या तरीके हैं। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिक स्वरूप को संवारा और सामाजिक व्यवस्था, आत्महत्या, कानूनी संहिताएं और धर्म जैसे विषयों पर का वैज्ञानिक अध्ययन किया। इसी क्रम में क्रांतिकारी विचारक जो थे, कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष की एक ऐसी विचारधारा प्रदान करी जिससे मानव जाति के इतिहास को एक नया मोड़ मिला। कार्ल मार्क्स एकमात्र ऐसे विचारक हैं जिनके विचारों की व्याख्या पर, उनके समर्थन में या उनके विरोध में जितना साहित्य लिखा गया है उतना संभवतः किसी अन्य विचारक पर नहीं लिखा गया है। सच ये तो कार्ल मार्क्स का जो योगदान है, भले ही हम उन्हें क्रिटिसाइज़ करें पर फिर भी हम ये देखते हैं कि हर समाज में कहीं ना कहीं उनके विचार की या उनके वर्ग की जो बात वो करते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जो है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, कहीं ना कहीं हमें हर समाज में देखने को मिलता है। इसी क्रम में जर्मनी के मैक्स वेबर थे जिन्होंने सत्ता और शक्ति के और अधिकारी तंत्र और पूंजीवाद के विकास पर बहुत सशक्त साहित्य रचा, और ये सभी विचारक जो थे 19वीं शताब्दी के यूरोप की उपज थे। ये सभी विचारक पश्चिम यूरोप के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं या शक्तियों से प्रभावित रहे और इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समाजशास्त्र का उदय हुआ। अब हम बात करेंगे किस तरह से तीव्र सामाजिक परिवर्तन का जो यूरोप में हुए, चाहे वो औद्योगिक क्रांति हो, चाहे वो नगरीय क्रांति हो, या राजनीतिक उतार चढ़ाव हो, या वैज्ञानिक क्रांति हो, या लौकिकवाद का का जन्म हो, या सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन हो, और अन्य समाज सुधार आंदोलन हैं, इनका हमारे विषय के विकास में क्या योगदान था। धन्यवाद।